नमस्कार दोस्तों BCD टेक के इस भाग में आपका स्वागत है इस भाग में मैं दिल्ली एनसीआर में एयरटेल की 4G सर्विसेज के बारे में बताने जा रहा हूं ये मेरा सैमसंग Galaxy नोट 4 है जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें 4G के सिग्नल आ रहे हैं पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं दिल्ली एनसीआर में ही रह रहा हूं मैप्स में अपनी लोकेशन को एक बार फिर से सर्च कर लेता हूँ जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं दिल्ली एन नोएडा में रह रहा हूँ और यहाँ पर आपको फोर के सिग्नल देखने को मिल रहे हैं तो क्या है है ये 4G और कैसे ये 3G सेवाओं से, से आपसे बेहतर है सबसे पहले कि 4G सिग्नल चले ना जाए मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ जैसे कि आप स्पीड टेस्ट से मैं आपको स्पीड देख देखने को मिल रही है कि इस 4G में आपको जो मैक्सिमम स्पीड है फिलहाल बारह से सोलह या कभी कभार बीस तीस के करीबन भी पहुँच जा रही है तो आपको इतनी बेहतरीन स्पीड मिली है हालांकि सिग्नल अभी एक ही है और आपको देख पा रहे हो कि पंद्रह पॉइंट वन सिक्स व टू सिक्स के करीबन डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड भी टू से ही ज़्यादा है जो कि काफ़ी अच्छी बेहतर स्पीड है थ्री जी के मुकाबले तो इसको कंप्लीट होने देते हैं तो आप देख पा रहे हो कि 15.26 पॉइंट इसकी डाउनलोड और 1.76 इसकी एम इसकी अपलोड स्पीड है तो एक बार थ्री में भी स्पीड देख लेते हैं इस वीडियो को आगे जारी रखने के लिए तो थ्री में स्पीड देखने के लिए मुझे सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग में जाना पड़ेगा और नेटवर्क मोड को डब्ल्यू में ओके करना पड़ेगा आप देखोगे जैसे कि जैसे ही ए डब्ल्यू सी डी एम में इसमें आ जाएगा टू फोर जी को छोड़ कर थ्री जी नेटवर्क में तो इसकी स्पीड फ़िलहाल दिल्ली एन सी आर में थ्री जी की स्पीड कितनी है आप इसको भी ज़रा देख लीजिए अचानक से शूट किया पर जो आपको मिल पा रही है वो है पॉइंट फाइव टू एम बी पी एस जो कि बहुत ही कम है फोर जी के मुकाबले और इवन अन्य थ्री जी नेटवर्क के मुकाबले दिल्ली एन सी आर में थ्री जी की सर्विस बहुत ही बुरी है तो आपको पॉइंट थ्री सिक्स एम बी पी एस इस समय शाम के दस बज के तेईस मिनट पर रात के मतलब दस बज के तेईस मिनट मिनट पर आपको जो डाउनलोड स्पीड है पॉइंट सिक्स थ्री एम बी पी एस मिल रही है और अपलोड स्पीड पॉइंट सिक्स वन एम बी पी एस जो कि बहुत ही बहुत बुरी है आ, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि 4G सर्विसेज में आपको काफ़ी अच्छी बेहतर स्पीड मिल रही थी तो पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 4G है क्या और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 4G सर्विसेज को अपने फ़ोन में एक्टिवेट कराने के लिए तो सबसे पहले 4G को एक्टिवेट कराने के लिए मैं आपको बता देता हूं आप एक एयरटेल के उपभोक्ता होने चाहिए मतलब आपके पास एयरटेल की या तो सिम होनी चाहिए या फिर आप एयरटेल शॉप में जाके एयरटेल की सिम नई खरीदनी पड़ेगी तो फिलहाल ये सर्विस सिर्फ पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए ही है तो कुछ ही दिनों में जैसे मेरी बात हो चुकी है कि पोस्ट पेड के सिवाय अब प्रीपेड में भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी पर फिलहाल ये पोस्ट पेड के लिए है आपको करना क्या है आप अपनी पुरानी सिम ले जाइए और अपने नज़दीकी एयरटेल शोरूम में चले जाइए और उससे उनसे कहिए कि मुझे अपनी फोर सिम को फोर में कन्वर्ट करवाना है तो आप अपनी सिम को बाहर मत निकालिए फ़ोन फो, फो, में रहने दीजिए तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे और आपको एक मैसेज करने को कहेंगे मैं आपको मैसेज बता देता हूँ वो मैसेज इस टाइप से है कि कुछ मैसेज आपको वन टू वन में भेजना है वो पूरा ही फ्री है उसके बाद रिप्लाई करना है वन से और आपको मैसेज आएगा कि आपको विदिन दस दस मिनट के अंदर आपकी नई सिम एक्टिवेट कर दी जाएगी फिर आप जैसे ही उसके बाद आप अपनी पुरानी सिम निकाल दीजिए और अपने फोर जी इनेबल्स डिवाइस में हाँ आपको एक फोर जी इनेबल हेड फ़ोन चाहिए तो फोर जी इनेबल फ़ोन्स के बारे में मैं आपको बाद में बताने जा रहा हूँ तो फिलहाल आप एक फोर जी इनेबल फ़ोन में सिम नई सिम को डाल दीजिए ये सिम आपकी तीनों टाइप में आती हैं फुल टाइप की भी आती है माइक्रो टाइप की भी आती है और नैनो टाइप की भी आती है तो आप इस फुल माइक्रो नैनो में किसी भी टाइप की सिम आप यूज़ कर सकते हैं वही सिम है आप उसमें पूरा खांचा यूज करके पूरा यूज़ कर लीजिए नहीं तो माइक्रो निकाल लीजिए या नैनो निकाल लीजिए उसमें से तो आप इसमें अपने फ़ोन में डाल दीजिए अब जैसे आप इस फोन में डालते हो तो कई बार आपका ऐसा होता है कि आपका फ़ोन सेट टू जी थ्री जी में से होता है ऑटोमेटिक सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा तो मोबाइल नेट में जाके आप उसको एल टी जो भी आपका एल टी फोर जी दिख रहा है फ़ोन में उसमें कनेक्ट कर लीजिए तो आपको जैसे आप इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे तो आपको फोर जी दिखने को मिल जाएगा और इंटरनेट के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है आपका जो भी थ्री जी प्लान है जिस पर आप सर्व कर रहे थे पोस्ट पेड में वही अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा फोर जी में तो मतलब कोई कॉस्ट नहीं है नो कॉस्ट कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है सिम भी फ्री अपग्रेड हो जाएगी और कोई भी प्लान खरीदने की जरूरत नहीं आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है थ्री जी का वो अपना आप फोर जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो गया कैसे इस सिम को प्राप्त कर सकते हैं हम लोग तो तो जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं कि आपको एक बार 4G सिम मिल गई है और आप इसने आपने इसमें डाल के उसको एक्टिवेट भी कर दिया है और आप अपने नए नेटवर्क में इसको इस्तेमाल भी कर रहे हो तो फ़िलहाल 4G के साथ क्या क्या समस्याएं हैं तो पहली जो 4G के साथ समस्याएं हैं एक पहली समस्या है कि इसके सिग्नल बहुत कम है मतलब कि आपको इतने अच्छे जैसे थ्री में आपको पूरे डंडे मिल जा रहे हैं और लेट्स देखिए थ्री में आपको कितने हैं तो आप देख सकते हो कि आपको माइनस एट्टी सेवन डी बी एम के सिग्नल मिल रहे हैं जो कि फुल डंडे में आपको देखने को मिल जाएंगे पर जैसे ही आप इसको फोर जी में देखोगे तो फोर जी में जाने के लिए मोर नेटवर्क में फिर चले जाते हैं मोबाइल नेटवर्क में और इसको फोर जी में डाल देते हैं तो आप फोर जी में अपने आप आप देखने को मिल जाएगा कि आपके सिग्नल बहुत ही कम हो जाएंगे तो इंटरनेट चल रहा है तो तो बता देता हूं आपको अब तो माइनस 111 dBm जो कि बहुत ही कम है नेटवर्क के मुकाबले पर इस इतनी कम डी बी एम में भी आप देख सकते हो तो कि एल टी कनेक्ट हो चुका है तो इतने कम डी बी एम में भी आप फिर भी काफी अच्छी स्पीड पाल पा रहे हो तो सिग्नल बहुत कम है अगर आप 4G को कनेक्ट करते हुए कॉल करते हो तो कॉल ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इस समय कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कितने उन्होंने टावर को एक्टिवेट किया है कितने टावर फोर को सपोर्ट कर रहे हैं आप अगर ऑटोमेटिक सेटिंग में रखते हो तो फोर से थ्री में जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और आप कॉल ड्रॉप को देख सकते हो तो इस समय जो जो मेन प्रॉब्लम है फोर के साथ सिग्नल बहुत कम है दूसरा जो फोर के साथ अमूमन दिक्कत आती है कि जो हायर डाउनलोड स्पीड है जो अब मैं बता रहा हूँ कि थर्ट बीस से तीस एम आपको अमूमन देखने को मिल रही है इस फोर नेटवर्क में एयरटेल के तो इस बीस से तीस एम स्पीड में अगर आप किसी वीडियो को सर्फ करते हो ऑनलाइन तो लेट सपोज मैं एक यूट्यूब में एक वीडियो सर्फ करने जा रहा हूँ तो मैं इसे इसके लिए यूट्यूब खोल देता हूँ जैसे कि अब मैंने YouTube खोल दिया तो मैं किसी एक वीडियो को देख रहा हूँ तो जैसे कि मैं इसी वीडियो को देख रहा हूँ तो तो संभावना ये है कि देखो आप जगह कि सब वीडियो बहुत जल्दी सर आ गया अपने आप ही डाउनलोड कर चुकी है बफरिंग बहुत जल्दी हो चुकी है तो लेट सपोज मैं इस वीडियो को नहीं देख के इस वीडियो को देखना चाह रहा हूँ तो आपकी वो वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है और इस तरह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाटा ये कंज्यूम कर रहा है तो इस बेहतरीन स्पीड के, के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं तो मैं नुकसान बता चुका हूँ कि कई बार आप ऐसे करते हो कि वीडियो देख रहे हो आपको पूरी वीडियो देखनी ही नहीं, नहीं है सिर्फ आपको शुरू के दो तीन मिनट ही देखने हैं तो इस बेहतरीन स्पीड में आपकी पूरी वीडियो एक ही साथ में बफर हो जाएगी आप चाहे ना चाहें आपको पूरी वीडियो अपना उस डेटा पैकेज के चार्जेस देने पड़ेंगे तो ये इसकी सबसे बड़ी अ, मुसीबत या डीमेरिट है तो तीसरा जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैटरी लाइफ तो हाँ ये 4G नेटवर्क के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 4G जी जैसे आप इसमें एक्टिवेट करते हो तो डिवाइस गर्म होनी शुरू हो जाएगी बहुत सारा डाटा ट्रांसफर कर रहा है इसका एक नया सेक्शन ऑन हो चुका है नया आर सेक्शन ऑन हो चुका है जो कि 4G को सपोर्ट कर रहा है ये आर सेक्शन बहुत सारी बैटरी खाता है तो इसके वजह से हीटिंग होती है और जो कि डिवाइस की बैटरी के लिए लाइफ के लिए बहुत ही दुखदायक है आप बहुत ही मतलब अमूमन अगर आपका फ़ोन 3G नेटवर्क में पूरा दिन चल जा रहा है तो 4G नेटवर्क में ये पूरा दिन नहीं चलने वाला एक दो घंटे में ही आपकी बैटरी आधा आधी हो जाएगी चार पाँच घंटे के अंदर आप पूरी फ़ोन डेड हो जाएगा फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म हो जाएगी जो कि सबसे बड़ी इस फोर की समस्या है तो मेरे अभी तक मेरे दिमाग में सिर्फ यही तीन समस्या हैं जो आपके दिल्ली एन में फोर नेटवर्क के साथ झेलनी पड़ सकती हैं सिग्नल कम है स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से बफरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और बैटरी लाइफ की तो ये तो होगी इस फोर की समस्याएँ तो एक बार 4G के जाने से पहले मैं 4G के फ़ायदे भी बता देता हूं कि ये आखिरकार ये 4G है क्या और इसमें मुझे इतनी ख़तरनाक स्पीड क्यों मिल रही है तो 4G की जो मेरिट्स हैं तो 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 इसमें मेरिट्स में सबसे पहली मेरिट्स है कि काफ़ी दमदार स्पीड दमदार स्पीड इवन आपको अपलोड स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी पर जो कि दमदार स्पीड है इसमें आप बहुत जल्दी अपने आ, काम को अंजाम दे सकते हो बहुत जल्दी वीडियो मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हो गानों को डाउनलोड कर सकते हो अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकते हो तो ये ज़बरदस्त स्पीड है इससे आप काफ़ी बेहतरीन स्पीड से डाउनलोड करते हो आप अपने सबसे पहला टाइम बचा सकते हो जहाँ कि आप 3G, 4G, 2G में काफ़ी टाइम लगता था किसी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप में मैसेज अपलोड करने के लिए आप बहुत जल्दी जल्दी आप टाइम को बचा सकते हो इस टाइम सेविंग से आप इसकी बैटरी को कुछ इंप्रूव कर सकते हो हाँ कि हाँ जिस जहाँ व्हाट्सएप में वीडियो अपलोड करने के थ्री में आपको दो मिनट लगते थे वहाँ पर ये एक दो सेकेंड में ही अपलोड हो जाएगी इससे कुछ बैटरी तो बच सकती है पर इतना ही नहीं कि आप सोच सकते हो कि आप इस पूरी थ्री जी पूरा दिन चल सकता था फोर के साथ ये दो चार घंटे ही चलेगा तो ये इसके साथ प्रॉब्लम रहेगी हाँ आप टाइम सेव कर सकते हो कभी इंपॉर्टेंट कामों के लिए और अच्छी वीडियो कॉलिंग आप इनबिल्ट जो नेटवर्क है उसकी यूज़ कर सकते हो इसमें बेहतरीन अच्छी क्वालिटी की वीडियो कॉल हो सकती है आप स्काइप ही यूज़ कर सकते हो इवन व्हाट्सएप वी चैट की वीडियो चैटिंग को यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत बेहतरीन आपको आ, कोई लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं कोई हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं बहुत बेहतरीन क्योंकि नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी है तो वीडियो कॉल्स भी बहुत बेहतरीन होंगे तो मैं ये तीन आपको इसकी बहुत बड़ी फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ कि एक तो स्पीड बहुत अच्छी है जो कि आपका टाइम भी सेव करेगा और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और नेटवर्क वीडियो कॉल नेटवर्क से स्कापी और जो ऐप्स हैं वो भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएंगी तो ये है फोर की खासियतें तो आपके अब जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको मैंने बता दिया कि आपको एक फोर को एक्टिवेट करने के लिए एक तो सिम की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा फ़ोन भी आपको चाहिए और तीसरा डाटा प्लान्स तो मैंने डाटा प्लान तो बता दिया कि फ़िलहाल जो है एयरटेल है वो कोई चेंज नहीं कर रही है जो थ्री के प्लान हैं वही आपके फोर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि दो में आपको एक जीबी जो डाटा है थ्री जी का मिलता था वही टू फोर जी में मिल जाएगा तीन सौ पचपन में जो आपको वन पॉइंट फाइव जी बी मिलता था वही आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे ही चार सौ पचपन में जो दो जी बी मिलता था वही आपका फोर जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो डाटा प्लान तो वो इसके वही के बर बस जो कि फ़ोन की बात कर रहा हूँ तो फ़ोन के बारे में मैं इतना बताने जा रहा हूँ कि आपको फोर जी इनेबल फ़ोन ही लेना पड़ेगा फोर सर्विस के लिए तो फोर जी फोन जो कि भारत में काम करते हैं अगर भारत से ले रहे हो तो सबसे जो सस्ता फ़ोन है रेडमी टू मोटो ई टू फोर वाला और यूरेका जो सस्ते फ़ोन हैं इसके साथ लेना वो ए सात सौ हज़ार छः सौ यूकेरिया इवन और भी बहुत सारे फ़ोन हैं जो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे रेडमी के ही अपना फोर जी फोर जी फ़ोन है और जो कि फोर जी को सपोर्ट करता है तो यह तो हो गया सस्ती रेंज के फ़ोन महंगी रेंज के फ़ोन जैसे कि गलेक्सी नोट फोर हो गया इवन आपके कुछ टैब्स हैं इवन सोनी सैमसंग आईफोन बहुत सारे फ़ोन हैं जो आगे आप आप इंडिया में देख पा रहे हो कि जिसमें फोर नेटवर्क है और इंडियन भारत के जो फोर नेटवर्क को सपोर्ट करता है हाँ यहाँ पर एक मेरे बताने की बात है जो मैं आपको बेगर बताए इस वीडियो को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ हाँ अगर आप विदेश में रहते हो और विदेश से एक 4G फ़ोन भारत में भेज रहे हो या फिर आप ई से कोई बाहर का फ़ोन ई से या इन से या अमेजन से बाहर का फ़ोन मंगा रहे हो और उस फोन के अंदर फोर है तो ज़रूरी नहीं कि वो 4G हमारे भारत में चलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बैंड अलग होते हैं तो जो कि यूएस का फ्रीक्वेंसी बैंड है 4G का वो भारत में नहीं चलता आपके लिए भारत में चलने वाला आपको चाहिए आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप हांगकांग में रहते हो चाइना में रहते हो मलेशिया में रहते हो और अपने दोस्तों से मंगवाना चाह रहे हो और सॉरी मैं उल्टा बोलना चाह रहा हूँ अगर आप भारत में रहते हो आपके दोस्त मलेशिया हॉन्गकॉन्ग चाइना सिंगापुर यू एस रहते हैं तो आप वहाँ से मंगाना चाहते हो तो आप उनसे एक बात बता पूछ लीजिए जो फ़ोन आप वो ख़रीदना जा रहे हैं उसमें क्या ये एल बैंड बी है जो कि मेगा में तेईस सौ मेगा का बैंड है अगर ये बैंड है तभी आपका फ़ोन चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा आप कितनी भी कोशिश के लिए कोई भी यूएस का फ़ोन जो कि 4G सपोर्ट करता है इंडिया में नहीं चलने वाला आपको स्पेशली B40 बैंड दे के ही लेना है B40 बैंड जो कि 2300 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है जिसका लाइसेंस एयरटेल एयरटेल के पास है और रिलायंस के पास है इंडिया में तो इवन बहुत सारी एयरसेल कंपनी भी हैं जो इसको इसी बैंड पर ही अपना फोर चलाने वाली हैं कुछ रिलायंस रे, के पास अट्ठारह सौ का भी बैंड विथ है बट वो अभी भी जो रिलायंस जियो चालू करने जा रही है वो तेईस सौ में चालू करने जा रही है तो आपको ये देखना है कि आप जो फोन खरीद रहे हो भारत में खरीदो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको 4G जी इनेबल बी फोर्टी बैंड ही फ़ोन मिलेगा आप अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो तो आप ध्यान रखिए कि बी फोर्टी बैंड अगर आपके फ़ोन में है तभी यहाँ पर 4G सिग्नल आएंगे और वो चल पाएगा नहीं तो आपका फ़ोन 4G नहीं चलेगा आप 3G चला सकते हो 3G में जो हमारा बैंड है इक्कीस सौ का बैंड है तो थ्री जी इनेबल तो अधिकतर हर फोन आपके क्वाड बैंड के आते हैं तो चारों पाँचों बैंड जो यू एस एशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में चलते हैं तो इक्कीस जो भारत का थ्री बैंड है तो उसमें चल जाएगा पर फोर जी के लिए आपको तेईस सौ मेगा हट्स का बैंड वाला ही फ़ोन लेना है ये कंडीशन मस्ट है अगर आप इसको सेटिस्फाई करते हो तो आपका फोन फोर जी सपोर्ट करेगा फोर जी में इसको सिग्नल मिलेंगे नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए नहीं तो आपका फोन नहीं चलने वाला तो कुल मिला के जो इस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप दिल्ली एन सी आर में रह रहे हो एयरटेल ने तो ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि फोर जी दिल्ली एन सी आर में लॉन्च हो चुका है आपको अगर आप पोस्ट ग्राहक हो अपने नेटल शोरूम में जाइए अपनी सिम को अपग्रेड कीजिए जो पुरानी सिम होती है सिक्सटी फोर के तक मैक्सिमम मेमोरी है उसकी जो नई सिम आपको मिलेगी एक सौ अट्ठाईस के बी की मिलेगी तो के बी का मतलब कि ज़्यादा उसमें डाटा स्टोर हो सकता है हालाँकि आजकल सारा मेमोरी डाटा जो है फ़ोन बुक और मैसेज फ़ोन में स्टोर होते हैं तो सिम में ऐसी कोई जरूरत नहीं पर आपको फिर भी एक सौ अट्ठाईस के बी की ही सिम लेनी है फोर जी के लिए और सबसे पहले सिम अपग्रेड होगी उसके बाद आपको एक फ़ोन लेना है फोर जी वाला अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो चेक कीजिए कि बी फोर्टी बैंड आपके इस फ़ोन में होना चाहिए और उसके बाद आपको एक डाटा प्लान की ज़रूरत है डाटा प्लान आपको मैं बता चुका हूँ सारे थ्री के प्लान अपने फोर में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपके थ्री में आपने को डाटा प्लान खरीद रखा है तो वो अपने फोर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा तो इन तीन चीज़ों के साथ आप अपने फ़ोन को और दिल्ली एन में एयरटेल की तरफ से 4G सर्विसेज़ का आनंद ले सकते हैं इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा और तो थम्सअप दे दीजिए अपने दोस्तों का शेयर कीजिए फेसबुक में अपलोड कीजिए ट्विटर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा और आने वाली अन्य तकनीकी वीडियोस और आने वाले अन्य फोन्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए बी सी टेक को देखते रहिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय जै भारत